सत्र में विपक्ष का रहेगा आक्रामक रुख। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अपना रुख आक्रामक बनाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार ने समय कम रखा है, लिहाजा सत्र में उनकी पहली मांग समय बढ़ाने की होगी, क्योंकि जनहित के कई मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि आज किसान सड़कों पर है और जिन किसानों की फसल को सरकार ने खरीदा है उनका तक दाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर विधानसभा घेराव सहित शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों के नाम पर हो रही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर भी सदन पर कई सवाल उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिस ऑल वेदर रोड के 1,000 करोड़ के निर्माण की बात कहकर सरकार ढिंढोरा पीट रही है, वह ऑल वेदर रोड का कार्य 182 दिन बंद रहा है। पहले पहाड़ में खुदाई के नाम पर और अब लगातार पहाड़ से मलबा आने की वजह से सरकार ने इस धनराशि का दुरुपयोग किया है। तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको सत्र में सरकार के समक्ष विपक्ष हित नजर आएगा। ऐसा है कि मुद्दे बहुत है, दिन कम रखे इन्होंने, तो पहली लड़ाई तो होगी सदन का सत्र बढ़ाओ, दूसरी लड़ाई होगी किसान, और किसान ने जो अपनी उपज बेची उसका पैसा नहीं मिल रहा उसे, तो उसका पैसा तो दो। पहली बात है MSP के आधार पर नहीं दे रहे, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसी दिन हमारे युवक कांग्रेस और NSUI के बच्चे विधानसभा घेराव करेंगे बेरोजगारी को लेकर। तो बेरोजगारी का तो आलम है कि गैर सरकारी लोग हटाए तो हटाएं, सरकारी भी हटा रहे हैं। जैसे यहाँ जो केंद्र था, ये दवाओं का जो केंद्र था, उनसे तमाम बच्चे निकाल दिए गए और कहा इन्हें दोबारा रख लिया जाएगा, लेकिन दोबारा रखने के लिए प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी, जो रखे ही नहीं रखेंगे, मारे मारे घूम रहे हैं। तो सरकारी सेवाओं से भी छटनी हो रही है, प्राइवेट से तो मनमानी छटनी हो रही है, तो सरकारी से रोकने में कुछ नहीं कर पाए। प्राधिकरण विकास नहीं, विकास प्राधिकरण का मुद्दा तो कई बार उठ चुका है, समय इतना नहीं है, तो हमने अपनी प्रायोरिटी चुन रखी। ओपन यूनिवर्सिटी को देखे रोज आ रही नहीं आ रहा है कि ये बेमानी का अड्डा बन चुका है। इसमें जिस ढंग से नियुक्ति हो रही, शर्म आ रही है। शिक्षा को तो कम से कम योग्यता के आधार पर चलिए दो। ऐसे तमाम मुद्दे उठाए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो गैर सरकारी विद्यालय में नियुक्तियाँ करो उनका, अगर वो समाप्त कर दोगे ग्रांटी नेट, तो लोग तनख्वाह नहीं दे पाएंगे प्राइवेट में, ऐसे तमाम विषय उठा रखे। और 1,000 करोड़ में जो ये बन रहा है ऑल वेदर रोड, वो 182 दिन अभी बंद रही और 2-3 दिन पूरा बंद रहा, तो जल्दी पहुँचना तो दूर, जब निर्माण हुआ था तब पहाड़ों की खुदाई से बंद रहा, अब मलबा गिरने से बंद रहा, तो उस 1,000 करोड़ रुपए का आपने दुरुपयोग किया, सदुपयोग किया, ऐसे तमाम सवाल उठा रखे। थैंक यू।